तुम सुनो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। तुम्हें दीपक भैया को इन्फॉर्म कर देना चाहिए रिगार्डिंग नंदी। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हें मालूम नहीं वो किस हालत में घर छोड़ के गए थे? डैडी ने तो इन्हें डिसोन भी कर दिया था, और मम्मा भी तो है कितनी स्टबर्न, शी वुडंट एक्सेप्ट हिम बैक। उन्हें बुलाना ठीक नहीं होगा। मैं बुलाने के लिए नहीं कह रही हूँ, सिर्फ इन्फॉर्म करने के लिए कह रही हूँ। लेकिन मम्मा से पूछे बगैर मैं उन्हें इन्फॉर्म भी नहीं कर सकता। देखो, ये तुम्हारा फर्ज है, तुम उनके छोटे भाई हो, कल जब उन्हें इस बात का पता चलेगा तो दूरियां और बढ़ जाएंगी। समझदारी तो इसी नहीं है कि उन्हें इन्फॉर्म कर दो। ट्रेजेडी ऑलवेज यूनाइट्स पीपल। कौन हूँ? फिर देर रुको ना, एक जोक सुनाती हूँ। एक वक्त पे एक काम, अब जॉगिंग का वक्त है। सुनो ना, अभी अभी दिमाग में आया है, स्लिप हो जाएगा। दौड़ते दौड़ते सुनाओ। दौड़ते दौड़ते स्लिप हो गया तो रुक के जोक सुनाओ, मैं आता हूँ। तो फिर सुनेगा कौन? आइडिया। क्या? मैं आपके कंधे पर बैठ जाती हूँ, आप दौड़ते रहिए, जोक सुनाने के बाद मैं उतर जाती हूँ। ये वाला पेन यार। ओके सुनाओ। चलो। सुनाओगे भी है नहीं? बैठो। भूल गई तो फिर मैं चला। रुको रुको, सुनाती हूँ सुनाती हूँ। कितने मील हो गए? करीब एक मील। दो मील, एक मील आपने, एक मील मैंने। इससे क्या होता है, जो काम करना चाहिए ना दिल लगाकर करना चाहिए। दिल ने लगाया होता तो दौड़ती क्यों आपके साथ? मैं काम पे दिल लगाने की बात कर रहा हूँ। जोक तो जल्दी सुना दो। सुनाती सुनाती हूँ। एक आदमी था, अचानक उनके पिताजी की डेथ हो गई तो तमाम लोग आ गए कंडोलेंस के लिए। बेचारा बैठा था सफेद कपड़े पहने बीच में, सारे लोग भी सफेद कपड़े पहने थे। उनमें से एक आदमी था और उन्होंने कहा, आपके पिताजी का अचानक डेथ कैसे हो गया, वो तो इतने हट्टे कट्टे आदमी थे। और उन्होंने कहा, मेरे पिताजी ऐसे इंसान थे कि वो जो कुछ भी करते थे उसमें पूरी तरह से डूब जाते थे, और कल उन्होंने एक कुआं खुदवाया था और उसी में डूब गए वो। आपको कैसे पता? बड़ा स्टेल जोक है, हंसी भी नहीं आई। अब क्या हुआ, ऐसे क्यों बैठी हो? बैठी हूं आपसे मतलब? आप प्लीज मुझसे दूर रहिए, वरना आपकी सेहत खराब हो जाएगी, मुझ जैसे बोरिंग लड़की के साथ बैठकर। कितनी फिजूल की बातें कर रही हो तुम। जरा सा हंस दिया होता तो आपका क्या बिगड़ता? अरे बाबा, हंसी नहीं आई तो मैं क्या करूं? अच्छा चलो हंस देता हूं। What a funny joke. चलो चलो उठो। शेखर जी, आपको मैं कैसी लगती हूँ? क्या मतलब? अब मैंने रशियन में तो नहीं कहा, सिंपल हिंदी में बात कर रही हूँ। आपको मैं कैसी लगती हूँ? अच्छी लगती हूँ। रश्मि जी से ज्यादा या कम? कम ऑन, चलो। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। अंजलि, तुम बच्ची हो, तुम्हें ऐसे ख्याल नहीं आने चाहिए। लेकिन मम्मी तो कहती है मैं किस करने लायक हो गई हूं। तुम बहुत अच्छी लड़की हो, तुम्हारी मम्मी का तुम पे इंतहाई एतबार है, विश्वास है। इस विश्वास को तुम मलामत होने देना। मेरा तुम्हें पसंद करना ना करना कोई मायने नहीं रखता। मैं तो एक आवारा बादल हूं, किसी दिन हवा के तेज झोंके मुझे उड़ा ले जाएंगे, सिर्फ खाली आसमान रह जाएगा, खाली।
नीला आसमान। आओ चले। सुबह रोए, धूप रोए, शाम रोए, ओस भीगी धूप रोए, भाग रोए, तो क्यों ना फिर ये साज रोए, तार रोए, संगीत की दुल्हन का हर एक श्रृंगार रोए। जिस दिन कोई हवा का झोंका इस बादल को उड़ा ले जाएगा, मैं अपनी इस लाल खून से उस खुले नीले आसमान पर तुम्हारा नाम लिख दूंगी। Let's forget about all this. Let's have fun. Let's enjoy. Let's forget about the whole world. Amy is my world, and I cannot forget about her. She is a woman, and I will not let that get in the way in her search for a good life. But I'm trying to do whatever I can. No, you are using her the way that you used me. Promised me. And if you go back on your promise, I will let the whole world know about you. And that would not be good for you. Victor, try and listen to reason. Amy loves Jay, and that's why I am worried. If she loves Jay, I promise you, I will try to fix them. Here. Have some. You won't eat? I'll have something later. You're being so emotional. All these things I wanted to do for Nandi, but I couldn't even come close to her. You
loved her very much. I don't know. Maybe this is love. All I feel now is emptiness. I wanted to say so many things to her, do so many things for her. I'm here. You can say all those things with me. You know, I couldn't even tell her that I loved her. I just think how much she must have wanted me to say that. She never knew how much you loved her, did she? She knew. I didn't know you were so caring. What was that for? I don't know. Maybe for saving my life. Then do it again. Why? It makes me feel good. The pain goes away when you do it. You know, Jay, sometimes I think the stabbing, it all happened for a reason. I mean, I was trying so hard to win your love, and then it all happened in a flash. Jay, do you love me? Please don't ask me to say that. Nandi never asked me. Amy, no. You need your rest. नहीं कहोगे? कोई घर पर नहीं है, मैं नहीं चाहती तुम यहाँ रुको। मैं रुकना भी नहीं चाहती, सिर्फ मुझे दो बातों का जवाब देना। मेरी शादी हो गई है शेखर, मुझ पर तरस खाओ, मेरी दुनिया में आग मत लगाओ। और तुम जो मेरी दुनिया में आग लगा कर चली आई, क्या दोष था मेरा? मैं मजबूर थी। ऐसी क्या मजबूरी थी? मैं तुम्हें नहीं बता सकती, चले जाओ यहाँ से, मेरी दुनिया मत उजाड़ो। मैं चला जाऊंगा रश्मि, तुम आबाद रहो, लेकिन मुझे जानने का हक तो है ही कि क्यों किए थे तुमने वो वादे, वो प्यार का नाटक जो मुझे अपनाना ही नहीं था। शेखर यहाँ से चले जाओ, अगर किसी ने देख लिया तो मुझ पर शक कर बैठेगा। सिर्फ एक सवाल, तो तुम्हारा प्यार सिर्फ नाटक था? नाटक नहीं था शेखर, मैं सचमुच तुमसे प्यार करती थी, मगर मेरे की जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ कि सब बदल गया। तुम अभी मुझसे प्यार करते हो? प्यार न करता तो 2 साल से तुम्हें ढूंढता फिरा करता, ढूंढते ढूंढते यहाँ अमेरिका तक न आता। तो तुम्हें अपने प्यार का वास्ता, लौट जाओ यहाँ से, और फिर मेरी दुनिया में कभी मन दखल देना। वादा तो कर नहीं सकता, लेकिन कोशिश करूंगा। आगे मैं वायलिन बजाती हूँ, बायां हाथ चलता है, अगर दाहिना हाथ होता तो आपको मुझे खाना खिलाना पड़ता।
अब क्या हुआ? दाने आंख को चाकू से काट लो। काट कर दिखाती हूँ। अंजू तुम बात बकबक करने लगी हो। देखो मम्मी, जब तक ये उंगलियां कटी रहेगी तब तक ये बकबक चलती रहेगी। कहीं तो आउटलेट चाहिए एक्सप्रेशन का। और जख्म ठीक हो जाने के बाद? ना वही वायलिन, बस एक वही तो है जिसे गले लगाने के लिए परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती। सबको तो यहाँ तुम्हारे मन का हो रहा है, किस एक्सप्रेशन पर बंदिश लगी है तुम्हारे? कि जो शेखर है ना, इसे कुछ भी पूछो तो ये टाल देता है, जवाब ही नहीं देता। ऐसे क्या पूछा तुमने जो उसने जवाब नहीं दिया? हम लोग उस दिन गए थे ना मम्मी रश्मि जी से मिलने, तो मैंने बस इनसे यही पूछा कि वो ज्यादा अच्छी है या मैं तो उसे जानता भी नहीं। तो अब उनके घर क्यों गए? तो क्या हुआ अगर उसके घर चला गया था तो? मैरिड वुमन, ये वहां क्यों जाए? शादीशुदा औरत से मिलना कोई खराब बात है क्या? ये कब कहा? ये जाए मैंने कब रोका? मैंने बस इतना कहा कि वो ज्यादा अच्छी है या मैं? अंजू, अंजू, आर यू इन लव? आपको कैसे लगता है? कौन? मैंने पूछा आपको कैसे लगता है? Am I in love? Yes. दृष्ट वया कर नाला सानी भानी, दिशो न जाने न लाभे कसर्मा, प्रसादे देव से जगन निवासे। डैडी दूध पी लीजिए। उधर रख दो। शाम से ही आपकी तबीयत कुछ खराब है, सर दबा दूं? नहीं। ओ लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स, ओ रिफ्यूज ऑफ द वर्ल्ड्स, प्लीज बी ग्रेशियस टू मी। I cannot keep my balance seeing thus your blazing death-like faces and awful teeth. In all directions, I am bewildered.